डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास सेवंथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख चुका हूँ, जिससे कि समझने में आपको आसानी ना हो। और सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ठीक है, राइट डाउन द पेयर ऑफ द इंटीजर्स हुज, क्वेश्चन नंबर पहले का ए कह रहा है ऐसा पेयर लिखो, राइट डाउन ए पेयर, एक ऐसा पेयर लिखिए, मतलब जोड़ा लिखिए, ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का, हुज सम इज माइनस सेवन। पहला है हुज सम इज माइनस सेवन, ठीक है ना, मतलब जिनको जोड़ने पर माइनस सेवन आए। देखो विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयां तो तमाम होती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को लड़कर आगे बढ़ना ही सफलता का एक रास्ता होता है, और जो कठिनाइयों से मुंह मोड़ लिया उसे सफलता नहीं मिलती। तो चलो अब देखते हैं, कह रहा है कि दो ऐसे पेयर लिखना है कि जिनको जोड़ने पे माइनस सेवन आए। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक, और पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मेन चीज ये है कि ये संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कहने का मतलब इसमें डेसिमल नहीं होता, जैसे 1.2 लिख दिया जाए तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, ये सब पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। -4, -6, -7, -9, तो ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो चलो देखते हैं, दिया है राइट डाउन ए पेयर, एक ऐसा जोड़ा लिखो ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का, हुज जिसका सम इज -7, जोड़ने पे -7 है। कुछ भी आप लिख सकते हो, तो हमने ले लिया -5, -2। अगर इसको हम जोड़े तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू, सम मीन्स योगफल बराबर हो जाएगा -5 + -2, और ये हो जाएगा -5, और इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 और -2 -7 आ गया। -4 -3 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए बी नंबर पे आते हैं, डिफरेंस इज -10। दो संख्या लेनी है, दो इंटीजर्स लेनी है, और घटाने पर क्या आए, -10 आए। तो देखो क्या है, इसमें हमें एक प्लस लेना पड़ेगा और एक माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस ले लेंगे तो आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, और नहीं भी आ सकता है। तो चलो कोई बात नहीं है, हमें दो इंटीजर्स लेना है और डिफरेंस करने पे -10 आ जाए। तो मान लो कि हमने पहला क्या ले लिया, हमने मान लो पहला ले लिया कि -11 ले लिया, और दूसरा हमने -1 ले लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा -11 से माइनस करेंगे -1 को, तो ये -11, और ये ब्रैकेट जब रिमूव होगा तो माइनस, और ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -11 है, +1 है, तो क्या हो गया, -10 हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको -10 लाना है तो इसको आप +1 भी ले सकते हैं, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी वही आएगा, ठीक है ना, अगर +1 ले लें, या कोई दूसरी संख्या भी आप ले सकते हो अपनी इच्छा से, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यही लो, मतलब सिर्फ यही है कि डिफरेंस करने पर -10 आना चाहिए, ठीक है। सी नंबर पे आते हैं, सी नंबर में दिया है सम इज जीरो। तो हमने क्या कर दिया, एक हमने 5 ले लिया और एक हमने -5 ले लिया। तो देखो यही आंसर है आपका, ये पहले का -5 - 7, इसमें ये हो गया, इसमें इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम इसका सम करते हैं, सम मीन्स योगफल, तो 5 को प्लस करेंगे -5 में, तो ये क्या होगा, 5 ऐसे लिख देंगे, और इस ब्रैकेट को जब आप हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा, और 5 से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। सम 0 लाना था, 0 हो गया। मजे की बात यह है, आप ये जान लीजिए, ठीक है ना, इसको ट्रिक जानिए या लॉजिक जानिए, अगर हमें दो संख्याओं का योगफल 0 लाना है
तो अगर एक संख्या हमने दो ले लिया तो दूसरी संख्या भी दो ही होगी, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा यानी माइनस टू हो जाएगा। अगर थ्री ले लिया तो दूसरा माइनस थ्री होगा, अगर हमने माइनस फोर ले लिया तो इसके बाद वाला प्लस फोर होगा, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, कर रहा है कि धन ऋण पूर्णांक संख्याओं का आपको पेयर पेयर में जोड़ा लेना है, हुज डिफरेंस इज एट, जिसको घटाने पर एट आ जाए। तो घटाने पर एक आ जाए तो हमने क्या किया, हमने मान लो एक ले लिया माइनस वन ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया माइनस नाइन ले लिया। ठीक है ना, तो अब देखो क्या है, इसको आप लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है माइनस वन और माइनस नाइन ही ले। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस नाइन को, तो देखो ये ब्रेकेट जब रिमूव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नाइन होगा, तो ये माइनस ए प्लस तो घट जाएगा, और नाइन से वन जाएगा तो एट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरे का। ठीक है, दूसरे के ए का। चलिए बी पे आते हैं, बी में दिया है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक ऋण पूर्णांक लेना है और एक धन पूर्णांक लेना है जिसका सम माइनस पांच हो, जिसको जोड़ने पर माइनस पांच आए। ठीक है, एक पॉजिटिव, पहला निगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलो हम पहला मान लेते हैं माइनस एक है, इसके बाद वाला हमें देखो माइनस फाइव लाना है, क्या लाना है माइनस फाइव लाना है, तो इसके लिए हमें माइनस में लाना होगा, तो इसको हम मान लो ले लेते हैं माइनस सिक्स, और इसको हम ले लेते हैं वन। बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर वन ले लिया और निगेटिव इंटीजर माइनस वन ले लिया, हमने क्या ले लिया प्लस वन ले लिया। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, हमें इसका निकालना है सम, सम इज माइनस फाइव, यहाँ लिखो सो एस यू एम, सम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन बराबर माइनस फाइव आ गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, और सिक्स से वन जाएगा तो फाइव आ जाएगा, और सिक्स अधिक है इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। दूसरे का सी देखते हैं, राइट ए निगेटिव इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो भाई आप, कुछ भी ले सकते हो, हमने माइनस मान लो यहाँ क्या कर दिया जाए माइनस सेवन कामा टू ले लिया जाए, तो माइनस सेवन में टू ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा माइनस फाइव ही आएगा, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, कि जो सर बता रहे हैं वही ले, पर बस ध्यान ये देना है कि ऐड करने पे माइनस फाइव आ जाए, इसी तरह से सब में होगा। ठीक है ना, सी नंबर में दिया है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक ऋणात्मक संख्या लेनी है और एक धनात्मक संख्या, सॉरी एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है एंड ए पॉजिटिव इंटीजर और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री, जिनको घटाने पर माइनस तीन आ जाए। तो हमें आंसर माइनस में आ रहा है तो निगेटिव संख्या हमको ज्यादा लेना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, चूंकि हमें आंसर माइनस में लाना है तो जो हमारा निगेटिव इंटीजर होगा उसको वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मान लो हमने ले लिया माइनस नाइन, एक ले लिया, अब हमें क्या लाना है थ्री लाना है, तो हम क्या करते हैं एक हम प्लस सिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका क्या करना है डिफरेंस निकालना है, सॉरी क्या निकालना है डिफरेंस, सम नहीं है, क्या है इनका डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस थ्री आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए माइनस थ्री आ जाए। तो चलो हमने इसको माइनस नाइन ले लिया, और ये दूसरा हमने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव वाला माइनस नाइन ले लिया और पॉजिटिव वाला हम क्या ले लेते हैं, चलिए सिक्स ले लेते हैं। ठीक है, और हमें इसको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने पर कितना आना चाहिए माइनस थ्री आना चाहिए, तो चलो माइनस नाइन ले लिया एक, और माइनस नाइन से क्या घटाए कि माइनस थ्री आ जाए, तो इसको हम मान लेते हैं एक निगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो हमने पहला क्या ले लिया, हमने पहला ले लिया माइनस थ्री, और दूसरा वाला पहला वाला माइनस थ्री ले लिया, पहला निगेटिव, एक निगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए माइनस थ्री आना चाहिए। तो चलो मान लो, मान लिया लेट निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव इंटीजर हमने मान लो ले लिया, इंटीजर हमने मान लो ले लिया कितना माइनस नाइन ले लिया, सो माइनस नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना
है माइनस थ्री है, या ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। दूसरा हमें नहीं पता है तो दूसरा को हमने एक्स मान लिया। अब पहला हमने मान लिया माइनस नाइन है और दूसरे वाले को एक्स मान लिया, तो ये माइनस थ्री है, इसको इधर ले आओगे जब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस नाइन हो जाएगा, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस थ्री से नाइन जाएगा तो कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमें मिल गया। सो इंटीजर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीजर इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीजर इज इक्वल टू हो जाएगा, एक हो गया हमारा माइनस नाइन और दूसरा कितना हो गया सिक्स हो गया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, और ये निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इनका डिफरेंस माइनस थ्री आ गया, ठीक है। मान लो समझ में ना आए तो इस तरह से मान के भी आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरे का सी। देखिए तीसरे पे आते हैं, कह रहा है इन ए क्विज, कोई क्विज होता है, टीम ए स्कोर माइनस फोर्टी कामा टेन कामा जीरो, कोई टीम ए है जो अपना उसका टोटल स्कोर होता है क्विज में जो ऑब्टेंड मार्क्स होता है, फर्स्ट राउंड में माइनस फोर्टी मार्क्स ऑब्टेंड होता है, सेकेंड राउंड में टेन मार्क्स और थर्ड राउंड में जीरो पाता है। तो यहां लिखिए टोटल स्कोर, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए, तो फर्स्ट राउंड में कितना है माइनस फोर्टी है, सेकेंड राउंड में टेन है प्लस जीरो, तो ये हो गया माइनस फोर्टी और टेन में जीरो ऐड करेंगे टेन ही आएगा प्लस टेन, बराबर कितना हो गया माइनस थर्टी। टोटल स्कोर माइनस थर्टी होगा टीम ए का, फर्स्ट राउंड में फोर्टी स्कोर है, सेकेंड राउंड में टेन स्कोर है और थर्ड राउंड का स्कोर जीरो है, तो तीनों राउंड का टोटल स्कोर कितना होगा माइनस थर्टी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ ये माइनस थर्टी है तो मतलब माइनस में है, मतलब इनका ये इनका लास्ट में ओवरऑल ओवरऑल स्कोर माइनस थर्टी होगा। उसके बाद में देखो दिया है एंड टीम बी स्कोर, फर्स्ट राउंड में टीम बी का स्कोर टेन है, सेकेंड राउंड में जीरो है, थर्ड राउंड में माइनस फोर्टी है। तो यहां लिखो टोटल, टोटल स्कोर ऑफ, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो ये बराबर हो जाएगा तीनों राउंड का जोड़ लेंगे तो फर्स्ट राउंड में ऑब्टेंड स्कोर टेन, सेकेंड राउंड में ऑब्टेंड स्कोर जीरो एंड थर्ड राउंड में ऑब्टेंड स्कोर माइनस फोर्टी। टेन में जीरो ऐड करेंगे टेन होगा प्लस माइनस माइनस फोर्टी होगा और टेन और माइनस फोर्टी कितना हो जाएगा माइनस थर्टी। अब देखो क्या कर रहा है, इन इन थ्री सक्सेसिव राउंड्स, ये तीन राउंड्स के हैं, विच टीम स्कोर मोर, कर रहा है कौन सा टीम ज्यादा स्कोर करता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप टीम ए बी का स्कोर माइनस थर्टी है, टीम बी का भी स्कोर माइनस थर्टी है, तो यहाँ लिखेंगे बोथ स्कोर आर सेम, बोथ स्कोर आर सेम, ठीक है ना, दोनों का जो स्कोर है क्या है सेम है, बोथ स्कोर आर सेम, सेम मतलब एक जैसा है और सेम, ठीक है ना, कोई ज्यादा नहीं है, सब दोनों का स्कोर समान है। कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि वी कैन एड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, करा इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेम श्योर है किसी, देखो आप यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर माइनस फोर्टी है फिर टेन है फिर जीरो है, यहाँ ऑर्डर क्या है टेन है फिर जीरो है माइनस फोर्टी है, लेकिन इन 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 बोथ ऑर्डर, इन बोथ ऑर्डर टीम ए एंड टीम बी द टोटल स्कोर ऑफ टेन बाई द बोथ टीम्स इज माइनस थर्टी। आप देख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ टीम ए माइनस फोर्टी प्लस टेन प्लस जीरो एंड द ऑर्डर ऑफ टीम बी इज टेन जीरो एंड माइनस फोर्टी एंड द स्कोर ऑफ द बोथ टीम्स आर सेम माइनस थर्टी, सो वी कैन से दैट इजिली we can add of integers in any order, तो किसी भी order में हम इसको जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में order change है बस, but the results are the same, so we can say that easily we can add of integers in any order, तो इसका answer हो गया yes, ठीक है। तो गाइस इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, या देखिए यहीं पर इसे हम आपको समझा देते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो ये एक रूल होता है, रूल क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ,
कहने का मतलब है ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय का नियम का मतलब होता है कि यदि कोई दो इंटीजर है उनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2+3 तब भी 5 आएगा, और अगर हम 3+2 लिख दें तब भी 5 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ जो इनका ऑर्डर है ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, बस इंटीजर्स वही है। तो देखो -5 यहाँ है, -8 यहाँ है, अब यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया है, -8 यहाँ आ गया, जैसे b यहाँ आ गया, तो बाद उसके बाद a आएगा तो a के प्लस पर -5 है, तो यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या दिया है, -53 में क्या ऐड कर दे कि 53 आ जाए, -53 आ जाए, यानी देखो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 53 यहाँ है, 53 यहाँ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कौन सा वैल्यू है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन सी संख्या है, वो 0 है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 17+.. = 0 कह रहा है 17 में क्या ऐड कर दिया जाए 0 आ जाए। तो देखो अगर मान लो संख्या ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 है तो 3 में अगर हम प्लस करें -3 को तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 से 3 निकल जाएगा 0 आ जाएगा। तो 17 है तो इसका इसमें जो हम ऐड करेंगे 0 लाने के लिए वो क्या हो जाएगा -17, ए का माइनस ए तो 17 का -17, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ -17 रहेगा। यहां देखिए ये आपका एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहां देखिए इन बोथ साइड्स द नंबर इज सेम, बट आप दोनों तरफ देख सकते हैं सेम है, यहां ए बी सी है, यहां ए बी सी है, ठीक है ना। बस क्या है यहां ए और बी को ब्रैकेट में एक साथ रखा गया है और राइट साइड में ए को बाहर कर दिया गया है, बी और सी को एक साथ में रखा गया है, वही ऑर्डर यहां भी है। देखिए यहां 13-12 है, यहां 13 को बाहर कर दिया गया है, यहां -12 को -7 के साथ रखा गया है, यानी यहां पर सी बाहर है तो यहां सी के जगह पर -7 है, तो यहां हम क्या लिख देंगे -7 लिख देंगे, अब ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एसोसिएटिव लॉ है, देखिए यहां -4 है, ये बाहर है तो यहाँ साथ में आ गया 15 के साथ, यहाँ क्या बचा -3 बचा, वही यहाँ आउटसाइड में हो जाएगा -3, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, ये हमारा जो है ये एसोसिएटिव लॉ है, एडिटिव मतलब जोड़ के लिए है, और ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को किन्हीं भी क्रम में जोड़ा जाए मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमारा है कम्यूटेटिव लॉ का, और यही हमारा है एसोसिएटिव लॉ का। तो मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया जिससे आप अच्छे से समझ जाए, और आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।